कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको लड़ाई की फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं और हम सिर्फ फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर के आधार पर अपना मन बना लेते हैं। तो बताना ज़रूरी है कि आदित्य चोपड़ा की वॉर बैटल ग्राउंड वाली जंग नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ जंग है और ऐसी जंग बड़े शहरों के आलीशान कमरों से या फिर आलीशान हेलीकॉप्टर से लड़ी जाती है। यहाँ बॉम्ब्स आसमान से गिराए जाते हैं, गाड़ियाँ समुंदर में फेंकी जाती हैं और मशीन गन से गोलियों की रास लीला खेली जाती है। कहानी देश सुरक्षा की है मगर इसमें देशभक्ति के अलावा सैकड़ों रंग रस रूप और रहस्य है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत फिल्म की ट्रीटमेंट और पैकेजिंग, सुपर सिनेमाटोग्राफी और आउटस्टैंडिंग एक्शन। फिल्म का स्क्रीन पे ग्रिपिंग है, एडिटिंग रेजर शार्प, बेहतरीन राइटिंग, उम्दा डायलॉग्स, अनोखे लोकेशंस और इंट्रीगिंग कैरेक्टर्स। थ्रिलर मूवीज में अक्सर इमोशंस मायने नहीं रखते मगर वॉर में इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है कि कैरेक्टर्स के साथ साथ हम ऑडियंस के लिए भी देर आर टू मैनी सरप्राइजेस। वाणी कपूर का रोल छोटा है मगर इफेक्टिव है और टाइगर श्रॉफ का ये करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ऋतिक रोशन एक बार फिर से साबित करते हैं दैट ही इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल जॉनर्स एंड ऑल रोल्स। सुपर 30 के आनंद सर के बाद ऋतिक कबीर को एक नई चाल ढाल बोल और सोच के साथ पेश करते हैं। कबीर में ठहराव है, अंदाज है, सावधानी है। इट इज़ ऋतिक रोशन हु डिटर्मिन्स द टोन ऑफ द फिल्म और इसका श्रेय जाता है फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को जो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के हमें नेक संदेश देते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। और दो बातें, फिल्म में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बल्कि अहम डिसीशंस लड़कियां लेती है, सोनी राजदान, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयनका और छोटी रूही। तो क्या फिल्म से मुझे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल है। एक्शन सीक्वेंस में बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचाता है और क्लाइमैक्स में वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशंस भी है बट दे आर सो फनी दैट दे मेक यू लाफ। वॉर स्टाइलिशली माउंटेड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फिल्म है जो देशभक्ति के साथ साथ टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट करती है और इसकी हमें दाद देनी चाहिए। वॉर देखनी चाहिए ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की सिजलिंग केमिस्ट्री के लिए। मैं भावना सोमाया वॉर को नवरात्रि के शुभ अवसर पर बिग रेटिंग्स देती हूँ, खुश होकर 4 स्टार्स।